वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। इस वीडियो सीरीज का पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फाइनेंस। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट सिंपल वीडियो में हम यह आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस। The international business activity has been in existence for hundreds of years. Adam Smith in his book Wealth of Nations wrote that if a foreign country can supply us with a commodity cheaper than ourselves can make it, it's better to buy it off them with some part of the produce of our own in which we have some advantage. So meaning mein international business activity ke bare mein Adam Smith ne kaha hai unke book Wealth of Nations mein. Wo kehte hai ki agar एक ऐसा कमोडिटी जो बाहर के देश में बनता है और हमें हमारे देश में जो हमारा जो कंट्री है उससे कम प्राइस में अगर वो मिल रहा है तो वो परचेज करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू बाय इट, और उसमें जो सम पार्ट्स है वो बाय करने के बाद हमें प्रोड्यूस करना है कुछ एड ऑन इंफॉर्मेशन, एड ऑन कंटेंट, एड ऑन मटेरियल्स डाल के जो हमारे कंट्री के हिसाब से सूटेबल है एंड जो हमें एट द एंड कुछ एडवांटेज दे। यानी हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है समझिए 100 रुपये का, लेकिन बाहर के कंट्री में वो 50 रुपये में अवेलेबल हो रहा है, तो वो 50 रुपये में ख़रीदिए, उसमें थोड़ा सा और कुछ पार्ट, कुछ कंटेंट ऐड कीजिए और कुछ एडवांटेज यानी प्रॉफिट के साथ उन्हें सेल कीजिए। ये है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फाइनेंस। और इसी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस या इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ता जा रहा है। एज ह्यूमन सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज इवॉल्व्ड, प्रोडक्शन वॉज इंक्रीजिंगली फॉर एक्सचेंज नॉट फॉर कंजम्पशन बाय द प्रोड्यूसर एज इन अर्लियर एरा। एक्सचेंज विद लोकल कम्युनिटीज एंड विलेजेस, देन विद इन रीजन्स एंड अक्रॉस कंट्रीज एंड फाइनली क्रॉस बॉर्डर्स। सो एज अ ह्यूमन सोसाइटीज और इकोनॉमीज, जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी और इकोनॉमिक इवॉल्व हुआ है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता गया है। ठीक है, प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए नहीं बढ़ता गया, लेकिन प्रोडक्शन एक्सचेंज के लिए बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोड्यूसर हो तो अर्लियर एरा में आप लोकल कम्युनिटीज के साथ वो एक्सचेंज करते थे, आपके पास से कुछ लोग बल्क में होलसेल में परचेस करके वो रिटेल में सेल करते हैं, राइट? और उसके बाद वही रिटेलर से कुछ विलेजेस तक अगर ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो कोई एक आधा पर्सन वो विलेज में सेम रिटेल का प्रोडक्ट जो है विलेज में जाके सेल करता था, और वो विलेज में भी कुछ लोग फिर डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे वो रीजनेबल तरीके से वो सेल करते थे। ऐसे छोटे छोटे तरीके से बनकर वो अब अक्रॉस कंट्रीज या फिर क्रॉस बॉर्डर जो है सेल होना चालू हो गया। सो जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ी, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स बढ़ता गया, इकोनॉमी जो हमारा पावरफुल होता गया, वैसे ही इंटरनेशनल फाइनेंस बढ़ता गया, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता गया। सो द सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इंटरनेशनल फाइनेंस किसे कहते हैं? अ सिस्टमैटिक एफर्ट, किस चीज़ के लिए एफर्ट लेना है? सिस्टमैटिकली टू फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का जो फ्री फ्लो है वो फैसिलिटेट करने के लिए ये जो सिस्टमैटिक एफर्ट है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंस का पार्ट है। अब ये जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहाँ पे करना है? अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, जो हमारा नेशनल बाउंड्रीज है उनके बाहर, उस नेशनल बाउंड्रीज में जब हम ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं उसे हम इंटरनेशनल फाइनेंस कहलाते हैं। Rapid economic growth in the Western countries joined in the process and growth of international trade continues unabated. इसमें जब rapid economic growth हुआ Western countries का, जिन्होंने इस international finance को support किया, इस process को अपनाया और उस तरीके से international trade का जो growth है वो continues हुआ बिना रुके। Despite faculties, difficulties and roadblocks, integration of world economy is moving forward. बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, रोड ब्लॉक्स के बावजूद, हर्डल्स के बावजूद, ये जो इंटीग्रेशन रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी का, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी जो एक दूसरे के साथ ट्रेड करके मिलकर काम करती है, मर्ज हो रही है एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही शानदार तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है और वो ग्रो होते जा रहा है।
Fast means of communication have made the world a small village. इंटरनेट जो है उसे हम स्मॉल विलेज भी कहा जाता है, वर्ल्ड ऑफ विलेज, और फिर इंटरनेशनल विलेज हम कहते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट और दिस मीडिया. सो इस तरीके से जब फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते गया तो वर्ल्ड जो है एक स्मॉल विलेज में बदल गया. नो सिंगल नेशन कैन रिमेन अलूफ टूडे विदाउट हैविंग टू ट्रांजैक्ट विद अदर्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड स्किल्ड मैन पावर इज रियलिटी ऑफ टूडेज इंटरनेशनल फाइनेंस. तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो दूर रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस से, इंटरनेशनल ट्रेड से. अब इसमें क्या करते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्किल्ड मैन पावर, ये है रियलिटी आज का इंटरनेशनल फाइनेंस का. क्यों हम फ्रांस से बहुत सारे जो हमारे एयरवेज है उनका सामान परचेस करते हैं, क्यों एरोप्लेन हमने फॉरेन कंट्रीज से परचेस किया, क्यों हम छोटे छोटे ऑनियंस जो है डेली प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और वो हम इंपोर्ट करते हैं, राइट. मे बी वहाँ पे रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, हमें हमारे फार्मर्स को तकलीफ नहीं देना है ज़्यादा और उन पे ज़्यादा प्रेशर ना हो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली, राइट, इसलिए हम वो इंपोर्ट करते हैं. The world trade has in fact grown at a pace much faster than the world output. ये जो world trade है वो बहुत ज़्यादा grow कर रहा है compared to your world output. For several countries, the growth has been described as export-oriented growth since the share of export in their GDP is significantly high. कुछ countries का तो ऐसा grow हुआ है economy कि उनका जो economy है उन्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ कहा जा रहा है. उस कंट्रीज का जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है और उनका जो शेयर है ग्रोथ में, उनका जो शेयर है जीडीपी में बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता गया है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. क्यों इंटरनेशनल फाइनेंस की ज़रूरत है. इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज फील द नीड फॉर इंक्रीजिंग देयर शेयर इन इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज capital and technology. Some of the important steps taken over during the last 25 years can be summarized as below. So India or other developing countries जो है उन्हें increase करना है, उनका जो need है वो international exchange of goods and services and capital and technology को increase करने का need है, ज़रूरत है. अब कुछ important steps लिए गए पिछले 25 सालों में जो यहाँ पे bullet points में या फिर numerical format में summarize किए गए हैं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफाइड मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, हमने इस्टेब्लिश किया यूनिफाइड मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट को. इंट्रोडक्शन ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी,